हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई अकेडमी के चैनल पे। बेटा हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। इवोल्यूशन चैप्टर में बेटा हमारा क्या हो गया है, दो लेक्चर कंप्लीट हो गया है और ये लेक्चर नंबर क्या है, 3 है। तो लेक्चर नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं ये देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 में बेटा हमने कुछ बेसिक बचा था उसको कवर किया था और उसके बाद हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चन किया। तो यहाँ से लेक्चर नंबर 3 में भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 तक, बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर लिए थे लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 3 करेंगे। तो लेक्चर नंबर तीसरे में बेटा जो 16 क्वेश्चन नंबर है वो क्या बोल रहा है, देखिएगा। जेनेटिक किसका स्टडी होता है, इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, हिस्ट्री, सेल्फ स्ट्रक्चर। तो जो जेनेटिक्स होता है वो स्टडी होता है किसमें, इनहेरिटेंस में। क्या होता है, इनहेरिटेंस में। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट जेनेटिक्स का डिफिनेशन क्या होता है बेटा, देखिएगा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस को ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। तो हमारा 16 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है which of these are identified to be the earliest of the life form। मतलब कि पूछा है कि सबसे अर्लियर लाइफ कौन बना था बेटा, फंगी नहीं, साइनोबैक्टीरिया। हाँ, साइनोबैक्टीरिया ही क्या हुआ था, सबसे पहले अर्थ पे ग्रो किया था। साइनोबैक्टीरिया क्या किया था, अर्थ पे पहली बार ग्रो किया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 का आंसर बी हो गया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे ये बोला गया है, इधर देखिएगा, which of the following is the connecting link between the birds and reptiles के connecting link को ही हम क्या कहते हैं, Archaeopteryx। क्या कहते हैं, Archaeopteryx। क्लास 10 स्टेट में बेटा जो पहला चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, वहां से ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो द कनेक्शन बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल्स को हम क्या बोलेंगे, आर्कियोप्टेरिक्स। क्या कहते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स बोलेंगे। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी, 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि which of the following statement is a true of paleontology। paleontology में कौन बेटा true है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, कि कौन सा true है इसमें से जो ऑप्शन दिया है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया आपके सामने वो लिखा है, इट प्रोवाइड इनडायरेक्ट एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। दूसरा, इट डज नॉट हेल्प अस टू कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट। तीसरा, इट हेल्प्स अस टू नो द एग्जैक्ट पीरियड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पीसीज। और डी दिया है ऑल ऑफ दिस। तो पेलियोनीटोलॉजी में, पेलियोनीटोलॉजी का बेटा क्या वाला सही है,
तो ए वाला गलत होगा, बी वाला गलत होगा, सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, वो हेल्प करता है टू नो एग्जैक्ट पीरियड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है ना, स्पीसीज का फॉर्मेशन का पीरियड कब था वो एग्जैक्ट बताता है, उसे ये क्या कहते हैं, पेलिनेटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलेंगे, पेलिनेटोलॉजी बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो होगा बेटा हमारा सी। क्या हो जाएगा, 19 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। नेचुरल सेलेक्शन का क्या बेटा सही होता है, तो मैं बता दूं कि नेचुरल सेलेक्शन क्या होता है बेटा, जो हमारे चार्ल्स डार्विन, इन्होंने कहा था कि कोई भी स्पीसीज जिंदा रखने के लिए, मतलब खुद को जिंदा रखने के लिए नेचर में अगर फिट हो जाता है, ठीक है, उसे ही क्या बोलेंगे, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ थियरी। ठीक है ना, तो नेचुरल सिलेक्शन थियरी में क्या हुआ ये देखेंगे। नेचुरल सिलेक्शन थियरी का जो पहला पॉइंट है, ऑर्गेनिज्म विद द फेवरेबल कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड बाय नेचर। ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फेवरेबल कंडीशन के लिए उसके कैरेक्टर को सेलेक्ट करता है बाय नेचर। दूसरा, ऑर्गेनिज्म विद द अनफेवरेबल कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड बाय नेचर, अनफेवरेबल नहीं होता है। ठीक है, सी, ऑर्गेनिज्म विद द फेवरेबल कैरेक्टर आर सेलेक्टेड बाय मैन, नहीं, सेलेक्टेड मैन के द्वारा कैसे होगा। डी, ऑर्गेनिज्म विद द फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड बाय मैन, नहीं, ये भी नहीं। तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में बोला गया था ऑर्गेनिज्म के फेवरेबल कंडीशन को चूज करता है कौन बेटा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर होगा ना वो हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। ये बेटा सीधा लाइन पूछा गया आपको, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए आंसर क्या हो जाएगा, 20 का ए। नेचर क्या करता है, फेवरेबल कंडीशन को सेलेक्ट करता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया बेटा, हु सजेस्ट द थियरी दैट ऑर्गन विच आर नॉट यूज्ड, दैट ऑर्गन विच आर नॉट यूज्ड मे इवेंचुअली इवेंचुअली लूज देयर फंक्शन एंड मे इवन डिसअपीयर। किसने बेटा बताया था कि अपने इवेंचुअल को मतलब गायब कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं, मेंडल, नहीं बेटा मेंडल तो नहीं, डार्विन नहीं, लैमार्क जो थे बेटा, लैमार्क ने ही क्या किया था, इस नियम को चूज किया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो हमारा डी हो जाएगा। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, इन विच बुक डिड लैमार्क पब्लिश हिज थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है ना, कि लैमार्क ने कौन सा बुक पब्लिश किया था नेचुरल सिलेक्शन थियरी के लिए। तो बेटा जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो किसने लिखा था, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। किसने लिखा था, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। फिलोसफी जूलॉजिक, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो ये दोनों ने क्या लिखा था, लैमार्क ने नहीं लिखा था और ये चार्ल्स डार्विन ने लिखा था।
तो बचा कौन बेटा, बी फिलोसफिक जूलॉजिक। लैमार्क ने फिलोसफिक जूलॉजिक को क्या किया था, बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, बी हो जाएगा फिलोसफिक, फिलोसफिक और जूलॉजिक, ठीक है ना। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग, क्या लिखा है, विच अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट प्रपोज द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। थियरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रपोज नहीं किया था, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, ह्यूगो डी ब्रिज, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन। तो बेटा लैमार्क जो थे इन्होंने क्या किया था, इवोल्यूशन की थियरी दी थी, बोलिएगा, हाँ सर दिया था। लैमार्क ने इवोल्यूशन थियरी दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने भी क्या किया था, दिया था, ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था, वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है बेटा, क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइंटिस्ट ने, ये जो तीन साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने किया था इवोल्यूशन की डिस्कवरी, केवल एक वाले नहीं किए थे, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, ग्रेगर मेंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है द फॉसिल ट्रायलोबाइट, ट्रायलोबाइट वाज ओरिजिनली अ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट अ रेप्टाइल अ बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लिखा है फॉसिल ट्रिलोबाइट, ट्रिलोबाइट क्या होता है, वर्टिब्रेट्स होगा या एन इनवर्टिब्रेट्स होगा। तो देखिएगा जो ट्रिलोबाइट होता है वो बेटा इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आता है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आता है, ठीक है ना। तो देखिएगा इनवर्टिब्रेट्स कहाँ लिखा है, बी वाला, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया, व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है ये पूछा गया। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यूरे एंड मिलर का एक एक्सपेरिमेंट आया था बेटा, यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट आया था, आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो क्लास 12th में इवोल्यूशन चैप्टर में बताया गया होगा। तो देखिएगा व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है, हम पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपलर वंस थ्रू ग्रेजुअल चेंजेस। मतलब कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस जो होता है उसे ही क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहेंगे क्या। आइए हम दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, द एक्ट ऑफ स्पेशियल क्रिएशन दैट ब्रोट ऑल द ऑर्गेनिज्म इनटू दिस वर्ल्ड। नहीं बेटा ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। सी लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर इन वन डे। ये भी नहीं है बेटा, डेवलप्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म विच अरोज केमिकल रिएक्शन इन द ओशियन। नहीं नहीं ये भी नहीं। तो बचा क्या बेटा हमारा, बच गया ए वाला ऑप्शन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपलर वंस थ्रू ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है ना। ग्रेजुअल चेंजेस को ही हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन।
तो 25 नंबर का जो आंसर होगा वो हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। 25 का आंसर ए हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग वाज इन्वेंटेड अराउंड इयर्स एगो। राइटिंग जो इन्वर्टेड का हुआ था कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो 5000, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा ईयर एगो, मतलब 5000 पहले क्या है, ये सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, 5000 एगो। आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग हुआ था 5000 एगो। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट मैन एंड चिंपैंजी आर कनेक्टेड। मैन और चिंपैंजी कनेक्टेड को ही हम क्या कहते हैं बेटा, अपेंडिक्स, क्रेनियल कैपेसिटी, थंब, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट मैन एंड चिंपैंजी आर कनेक्टेड। मैन और चिंपैंजी इसमें से क्या कनेक्टेड होता है, अपेंडिक्स नहीं बेटा, नहीं होता। क्रेनियल कैपेसिटी, थंब, लिप्स, ये दोनों नहीं मैच करता है तो क्या होता है, क्रेनियल कैपेसिटी क्या होता है हमारा, मैच होता है किससे, चिंपैंजी से। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है, ट्रांसक्रिप्शन यूजेज एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। ट्रांसक्रिप्शन यूजेज एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, एंटीसेंस डीएनए स्ट्रैंड, आरएनए स्ट्रैंड, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए। तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, आइए फटाफट बता देते हैं। देखिएगा, सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, डीएनए, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बन जाता है, प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से एमआरएनए का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है यूजेज एज ए टेम्पलेट, तो क्या होता है, सबसे पहला हमारे पास जो ये समझिएगा, ये हमारे पास क्या हो गया, डीएनए, ओहो, ये हमारे पास क्या हुआ, डीएनए। तो इस डीएनए के अंदर ना ऐसे छोटे छोटे ओरिजिन बना होता है, इसी उरी को क्या कहते हैं बेटा, खोलते हैं, इसी ओरिजिन को खोलते हैं। तो जब डीएनए को खोलते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, जब डीएनए को खोलेंगे तो क्या होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो इसी पर क्या बनता है, और स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए आरएनए बनता है, मतलब कि एंटी सेंस डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर ही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन बनता है। वो लंबा प्रोसेस है बेटा, ठीक है ना, वो क्लास 12th में आपको बताया जाएगा, एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5-3-3-5- और ये वाला 3-5-5-3- होता है, तो इसी पे ओका जाके फ्रेगमेंट बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बेटा जो हमारा आंसर होगा वो डी हो जाए, सॉरी ए हो जाएगा, 27 का आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का मतलब क्या होगा, कोडान फॉर अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड नोन एज। कोडान क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे, जो हमारे पास बेटा ये डीएनए होता है तो डीएनए के अंदर ए जी कट होता है, आपको पता होगा बेटा ए जी
एजी कट क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड ए जी कट होता है। तो इसी नाइट्रोजनस बेस से मिल करके हमारा जेनेटिक कोड बनता है, जैसे ए ए, ठीक है, ए यू सी, ए सी यू, ये हमारा क्या होता है, जेनेटिक कोडान होता है। और इसे ही बोलते हैं ट्रिपलेट कोडान। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कोडान। तो ट्रिपलेट कोडान जो होता है, कोडान फॉर अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड के जो कोडान होता है उसके थ्री क्या होता है, कोड होता है, जो क्या होगा, थ्री कोड होता है, उससे ही हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोडान। वो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे पास आरएनए होता है वो आकर के क्या करता है, उससे जुड़ता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या लिखा है? डायनासोर गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू पॉल्यूशन, मेटोराइट क्रैशिंग, ओवर प्रोडक्शन, ओवर पॉल्यूशन। तो डायनासोर क्यों एक्सटिंक्ट हो गए बेटा? बी के वजह से, पॉल्यूशन की वजह से नहीं। क्या हो गया? मेटोराइट क्रैशिंग के वजह से। तो 29 का आंसर बी, 29 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा है? फॉसिल्स ऑफ रेप्टाइल्स इन एरा, किस एरा में रेप्टाइल्स का फॉसिल लिखा गया था? सीनोजोइक मीजोजोइक, ठीक है, या पेलियोजोइक। तो ये देखा गया था सीनोजोइक में बेटा, किसमें देखा गया था? सीनोजोइक में देखा गया था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। तो बेटा हमने 30 क्वेश्चंस क्या किया यहाँ पर, कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। तो बाकी का जो क्वेश्चन है हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए ओके, थैंक यू।